बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार, हर घर तक नल जल योजना, बिजली सुविधा और बैंक सुविधा पहुंचाने को लेकर कई तरह के हथगंडे अपना रही है, लेकिन अभी मौजूद है सिवान जिले के दरौंदा प्रखंड के समान में मौजूद है। तस्वीरें देख सकते हैं, यहां पे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक शाखा समान बिगरा है। यहां पर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक चलता है और यहां पे आसपास के लगभग 5 गाँव, जैसे करसौत हो गया, पकौलिया हो गया, पिनरथु खुर्द हो गया, कई गाँव हो गया, जिसको लेकर यहाँ पे जो छोटे तबके के लोग हैं, किसान हैं, अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, या आसपास के जो भी लोग हैं यहाँ पे बैंक में अपना पैसा रखते हैं और बाहर से उनके अगर पुत्र या पुत्र जो भी कमा कर भेजता है तो यहाँ से निकासी करते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों को सूचना मिली कि बैंक यहाँ से दूसरे जगह हटाया जा रहा है। इसके बाद यहाँ ग्रामीणों द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, तमाम लोग यहाँ पे जो है इकट्ठा हुए हैं और लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ कि बैंक यहाँ से क्यों हटाया जा रहा है। लेकिन सरकार जो है, केंद्र सरकार या बिहार सरकार, लाख दावे करती है कि हर घर तक सभी योजना को पहुँचाना मेरा कर्तव्य है, हर कुछ को लेकर डिजिटल में कन्वर्ट किया जा रहा है और आसानी से जो पिछड़े तबके के लोग हैं, किसान तबके के लोग हैं, उनको लाभ मिल जाए। लेकिन यहाँ पर ये देखा जाए कि पुराने वर्षों से, कई वर्षों से चल रहा बैंक को भी गांव से हटाया जा रहा है। इसके बाद ग्रामीणों द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। मेरे साथ बैंक के मैनेजर भी हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिर जो बैंक है क्यों हटाया जा रहा है, क्या कुछ उनको जानकारी मिला हुआ है, उनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे। फिर से दिखा दें कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है जो कई सालों से चलता आ रहा है, जिसके बाद यहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि बैंक को आखिर ना हटाया जाए, आखिर क्यों हटाया जा रहा है। इसके बाद देखना यह होगा कि बैंक हट रहा है या नहीं हट रहा है, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हम फिलहाल मैनेजर साहब से बात करने का प्रयास करेंगे कि जो पूरी घटना है, आखिर घटना क्या कुछ है। जो मेरे साथ उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक जो समान है, उसके मैनेजर हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। आखिर लोग प्रदर्शन किए हुए थे, क्या कुछ उनको जानकारी मिला हुआ है, आइए हम इनसे जानकारी लेंगे। सर, आज सुबह में यहाँ पे प्रदर्शन हुआ था, आखिर क्यों हुआ था सर? मतलब ग्रामीण लोगों में ऐसा कोई सूचना फैलाया गया है कि बैंक मर्ज हो रही है जी, उसी का विरोध जता रहे थे वो लोग। आपको सर कुछ ज्ञापन भी सौंपे हुए लोग कि? नहीं, हम लोगों तो कोई ज्ञापन नहीं दिया जी, कि इसके वजह से आगे पता नहीं उन लोग का क्या कार्रवाई करना है। इसके बारे में हम लोगों को कोई आधिकारिक सूचना भी नहीं, दूसरे जगह मर्ज हो रहा है इसलिए प्रदर्शन किए हुए थे, उन लोगों का मानना है। अभी बैंक, हम लोगों को कोई इसका आधिकारिक सूचना नहीं है कि बैंक मर्ज हो रहा है, कोई चिट्ठी वैसे जो आता है बैंक के पास कुछ वैसा जी नहीं है। थैंक यू। देखिए, बैंक के मैनेजर साहब थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि हमको कुछ सूचना नहीं मिला हुआ है कि बैंक मर्ज हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दिया गया कि ऐसे बात है तो हम लोग प्रदर्शन किए हुए हैं। हालांकि देखने यह होगा कि बैंक क्या कुछ इसमें निर्णय लिया है, आगे जो सरकार है क्या कुछ निर्णय लिया हुआ है कि बैंक कहाँ जाएगा या नहीं जाएगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन वाकई में अगर बैंक जा रहा है यहाँ से तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है यहाँ गाँव के लोग, गाँव के जब बैंक खुला हुआ, आजकल देखा जा रहा है केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार, प्रत्येक गाँव में हर कुछ के लिए बिजली हो, नल जल हो, हर सुविधा के लिए अपने पहुँचा रही है, लेकिन अगर बैंक यहाँ जा रहा है तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हालांकि बैंक नहीं जाना चाहिए, लेकिन देखने यह होगा कि बैंक जा रहा है या रह रहा है, यह तो आने वाला समय बताएगा।